अमीर सयानी, वो शख्स जिन्हें लोग उनकी आवाज से पहचान लिया करते थे। रेडियो पर जब उनकी आवाज आती थी तो लोग दिल थाम कर बैठ जाते थे। आज वो आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई है। अमीन सयानी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। अमीन सयानी लोकप्रिय रेडियो प्रस्तोता रहे। चर्चित शो बिना का गीत माला के जरिए वे घर घर में पहचाने जाते थे। वो दौर जब LED TV घर घर में नहीं थे, OTT नहीं था और थिएटर तक सभी की पहुंच नहीं थी, सिर्फ रेडियो ही मनोरंजन का मुख्य साधन हुआ करता था। तब अमीन सयानी श्रोताओं के पसंदीदा थे। आइए जानते हैं अमीन सयानी के बारे में। अमीन सयानी का जन्म 21 दिसंबर 1932 मुंबई में हुआ था। उन्होंने रेडियो की दुनिया में अपना बड़ा नाम स्थापित किया। दर्शक उनकी आवाज से सीधे तौर पर जुड़े और दिल थाम कर उनके कार्यक्रम का इंतजार किया करते थे। अमीन सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। उनके भाई हामिद सयानी ने उनका परिचय यहां से कराया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सयानी ने करीब 10 वर्षों तक अंग्रेजी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने भारत में ऑल इंडिया रेडियो को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका भी निभाई। रिपोर्ट्स के अनुसार अमीन सयानी के नाम पर 54,000 से ज्यादा रेडियो कार्यक्रम प्रोड्यूस या फिर वॉइस ओवर करने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने करीब 19,000 जिंगल्स के लिए आवाज देने के लिए भी अमीन सयानी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। अमीन सयानी का शो बिना का गीत माला पहले रेडियो सिलोन पर ब्रॉडकास्ट हुआ करता था। ये 30 मिनट का प्रोग्राम था। 1952 में शुरू हुआ था। शो सेंसेशन बन गया था। बिना का गीत माला से ये सिबाका गीत माला हुआ और बाद में हिट परेड नाम से भी ब्रॉडकास्ट किया गया, लेकिन कभी भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसके बाद गीतमाला शो ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती पर ब्रॉडकास्ट किया गया। गीतमाला शो रेडियो पर बुधवार रात 8 बजे ब्रॉडकास्ट किया करता था। आलम ये था कि हर कोई इस शो का इंतजार करता था। घर, दुकान, बाजार, हर जगह लोग सयानी को सुनने के लिए बेकरार रहते थे। फिर गूंजती थी एक आवाज, बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। और अब इस बरस बिना का गीतमाला की वार्षिक हिट परेड का सरताज गीत। इसके बाद बिगुल की आवाज गूंजती और अमीन सयानी की आवाज आती। वो कहते, फिल्म सूरज का गाना है ये भाई और बहनों, इसे गाया है मोहम्मद रफी ने। चार्ट टॉपिंग हिट्स वाला रेडियो शो गीतमाला दक्षिण एशिया में खूब लोकप्रिय हुआ। सफलता के कारण गीतमाला शो 42 साल तक चला था। बाद में 2000 से 2001 और 2001 से 2003 में इसके नाम में मामूली बदलाव के साथ इसे फिर से शुरू किया। बता दें कि रेडियो ने अमीन सयानी को जो पहचान दिलाई वो बहुत आगे तक गई। वे कई फिल्मों में रेडियो अनाउंसर के तौर पर भी नजर आए। इनमें भूत बंगला, तीन देवियां, बॉक्सर और कत्ल जैसी फिल्में शामिल हैं। रेडियो की दुनिया में अपने योगदान के लिए अमीन सयानी को कई बड़े व प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें लिविंग लेजेंड अवार्ड 2006, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट की तरफ से गोल्ड मेडल 1991, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 1992 और लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड शामिल है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।